Hello and assalamu alaikum listeners and viewers. This is me, your host Fahad Yunus, and show hai Meri Kahani. और जनाब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी कहानी शो के हर एपिसोड में हम लोग पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले ऐसे शख्सियात को इनवाइट करते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे ना सिर्फ वो आगे बढ़ रहे हैं बल्कि उसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट और दूसरे लोगों की लाइफ पर पड़ रहा है। तो हमारी कोशिश रही है कि ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हम लोगों को अपने शो में लेके आएँ जहाँ वो आगे अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करें ताकि और बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर हों, उनसे सबक लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो जनाब इसी तरह से आज भी हमने अपने एक बहुत ही मुअज्ज़ज़ और ख़ास गेस्ट जनाब अब्दुल हमीद दाजिया साहब को कराची पाकिस्तान से अपने साथ लाइव लिया है। और थोड़ा सा मैं आपके बारे में बताता चलता हूँ कि आप फेसबुक पर एक ग्रुप चलाते हैं कराची सिविक इश्यूज़ के नाम से, जिसमें आप कराची के जो है वो मसाइल पर जो है वो मसाइल उजागर करते हैं, और इसका एक ख़ास मकसद है। माशाल्लाह आप ये पिछले काफ़ी अर्से से जो है वो इस तरह की आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग देखते रहते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी कहानी माशाल्लाह कहाँ से शुरू हुई और ये किस तरह से यहाँ तक पहुँचे। अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ लाइव हैं, वक्त को ज़्यादा किए बगैर आगे बढ़ेंगे। हमीद दाजिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियोज़। कैसे हैं आप, कैरियर से हैं? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। अब मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ कि आई वॉज बोर्न इन 11 मई 1945 एट पोरबंदर इंडिया। और पोरबंदर इस तरह से भी कुछ ज़्यादा फेमस है कि वहाँ महात्मा गांधी साहब भी पैदा हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान बनने हम लोग अपनी फैमिली कराची शिफ्ट हो गई और यहाँ मेरा एजुकेशन शुरू हुआ। 1966 में मैंने बीकॉम किया। उसके बाद मैंने कोड रोड रॉबसन मोर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म थी उसको ज्वाइन किया और मई 1970 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की। और उस वक्त मेरी एज बहुत ही कम उम्र थी, 25 साल। उसके बाद मैंने अपनी पहली कैरियर जॉब शुरू की और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी मल्टीनेशनल स्मिथ क्लाइन एंड फ्रेंच को ज्वाइन किया, जहां 4 साल काम किया। और सब्सिक्वेंटली मैंने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया और वहां 17 साल 74 से लेकर 91 तक काम किया। प्रोफेशनल्स के लिए मेरा ख्याल है बहुत टफ जॉब है कि किसी गवर्नमेंट इदारे में काम करना। और मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को बिजनेस में नहीं रहना चाहिए। बहरहाल 1991 में मैंने KSC छोड़कर अपनी कंसल्टेंसी फर्म शुरू की, जिसमें बैलेटिंग, शेयर रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट का काम शुरू किया एज ए टेक्नोलॉजी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और जो आज पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट TA कंपनी है। 2007 में मैंने रिकॉर्ड एक नया वेंचर शुरू किया कि जो रिकॉर्ड स्टोरेज एंड मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से के सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे शुरू किया, जो पाकिस्तान में एक नई चीज़ थी। ये डेटा रिकॉल के नाम से एक कंपनी शुरू की मैंने और उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट रिकॉर्ड सेंटर्स बनाए, इको फ्रेंडली रिकॉर्ड सेंटर बनाए। और इस पाकिस्तान की लार्जेस्ट रिकॉर्ड स्टोरेज एंड मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर डेटा रिकॉर्ड है। मेरे 3 बेटे हैं, 2 CCE हैं, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स हैं और 1 MBA है। सब प्रोफेशनल्स हैं और सब मेरे साथ ही हैं। अब माशाल्लाह उन्होंने ये सारा बिजनेस संभाल लिया है और वो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सिविक इशूज, स्पेशली कराची के रिलेटेड सिविक इशूज़ में काफ़ी इंटरेस्ट लेता रहा हूँ थ्रू आउट माई कैरियर। और इस सिलसिले में लेटर टू द एडिटर्स, अखबारों में लिखना, कमेंट्स करना, सोशल मीडिया पे कुछ लिखना, और ये सिलसिला मेरा जारी, साथ अपने बिजनेस के साथ ये सिलसिला जारी रहा है। यहाँ मैं एक और कुछ फिगर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि कराची के साथ जो ज्यादतियाँ या ज्यादा हो रही हैं कि सिंध बजट 2013-14 का हमने तो
वो 596 बिलियन का था जो कि 16-17 बढ़कर 869 बिलियन यानी 273 बिलियन रुपीज बढ़ा, जबकि केएमसी का बजट जो 13-14 में 34 बिलियन का था वो घटकर 27 बिलियन हो गया। ये आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कराची के साथ कितना ज्यादती हो रही है। ये ज्यादती उस एंगल से भी आप देखें कि कराची इकोनॉमिक हब है और 65% रेवेन्यू जो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है उसका 65% कराची से कलेक्ट होता है। फेडरल गवर्नमेंट जो प्रोविंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है रेवेन्यू अपना, वो शेयर जो देती है वो 82% पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। कराची की 25 बिलियन की आबादी है, उसका शेयर कहाँ गया? दूसरी तरफ अगर हम सिंध प्रोविंस के रेवेन्यू को लें तो जो मैंने अभी आपको फिगर दिए तो उसमें जो सिंध गवर्नमेंट का जो रेवेन्यूज है कलेक्शन वो उसका 95% कराची से कलेक्शन होता है। तो इन्हें भी कराची के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। इस ज्यादतियों को वक्तन फवक्तन हर सतह पे मैं बता रहा हूँ और फाइनली क्योंकि अब सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव और इमर्ज हुआ है पाकिस्तान में भी, तो मैंने सोचा कि एक इसका ग्रुप बनाऊँ और अप्रैल 2015 में मैंने एक ग्रुप बनाकर कराची सिविक इश्यूज के नाम से शुरू किया। इस वक्त तकरीबन उसके 10,000 मेंबर बन गए हैं और इसमें काफ़ी प्रोफेशनल्स और हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग इस पर मौजूद हैं। यहाँ जो कराची सिविक इश्यूज ग्रुप बना है ये स्पेसिफिक पर्पस ग्रुप है कि जिसमें सिर्फ मैंने 4 इश्यूज को टेकअप किया है। नंबर 1 गार्बेज जो कि जलाया जाता है, डंप किया जाता है, पूरे शहर को पॉल्यूट किया जा रहा है। दूसरा सेवरेज के जो ओवरफ्लो हो रहा है, रोड जो डैमेज हैं, और दरख्त काटने के खिलाफ। इस सिलसिले में मैंने मज़ीद भी एक्शन्स लिए थे कि जिसमें दरख्त काटने के खिलाफ मैंने एक मुहिम शुरू की और वो सिंगल पर्सन प्रोटेस्ट के नाम से मैंने शुरू की, जो कि 2015 से 2015 तक मैंने मुख्तलिफ चौराहों पे जाकर प्ले कार्ड लेके और स्टॉप ट्रेस कटिंग रिमूव बिलबोर्ड के नारा लगा के और वहाँ खड़ा रहता था कि जो गिजरी चौरंगी आई कैप हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस के बाहर और चुंदरीगढ़ रोड पर और इस जगहों पर वहाँ जाके मैं खड़ा होता था। अब इसका रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया है और बिलबोर्ड सारे कराची से हटा दिए गए हैं। और लेकिन अभी भी दरख्त कटाई जो है वो चालू है, उसके खिलाफ भी मैं काफ़ी लिख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह दरख्त की जो कटाई है वो बंद। पब्लिक इंटरेस्ट कंप्लेंट का सिलसिला भी मैंने शुरू किया हुआ है। मैंने सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट में मज़ार कायद और बागे कायद के सिलसिले में एक दरख्वास्त पब्लिक इंटरेस्ट कंप्लेंट जमा की है जो कि जुलाई 2015 में जमा की। ये मज़ार कायद और बागे कायद तकरीबन उजाड़ दिए हैं और सारे दरख्त वहाँ कट गए हैं, बागे कायद तो नज़र ही नहीं आता है, तो उसके खिलाफ मैंने एक दरख्वास्त दी है। इसी तरह मैंने वफाकी मोहतसिब की कराची ब्रांच को एक दरख्वास्त दी है कि जो पाकिस्तान रेलवे की जो ट्रैक्स हैं उसके ऊपर गार्बेज पूरा भरा हुआ है, वहीं जला रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी मैंने दरख्वास्त दी है। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट के जो ओम्बड्समैन हैं उसने भी दरख्वास्तें दी है सुपर हाईवे और उसके खिलाफ। और इस साल जून 2016 में सुप्रीम कोर्ट को भी मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट कंप्लेंट भेजी है कि दरख्त जो कट रहे हैं उसको किसी तरह से रोका जाए। यहाँ एक और सुप्रीम कोर्ट में एक और केस भी चल रहा है पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के सिलसिले में, तो उसमें भी मैंने एक दरख्वास्त दी है कि कराची में क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और घर भी जला रहे हैं और हर प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ के लिए मुझे भी उस केस में पार्टी बनाया जाए। तो इस तरह और पूरे शहर के अंदर मैं घूम के और हर जगह जाकर और पिक्चरें लेता हूँ जो गार्बेज जला रहे हैं, गार्बेज जमा है, और इसी तरह सेवरेज के सिलसिले में या रोड डैमेज है,
تو اس سلسلے میں اور درخت کاٹ رہے ہیں اسی وہ بھی اور ڈیلی تقریباً ایک پوسٹ میں کران سے سیوک ایشوز میں پوسٹ کر رہا ہوں. اب یہاں ایک اور آج کی لیٹسٹ اطلاع میں دوں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا کوئی ایک ججمنٹ آیا ہے کہ جس میں وہ انوائرمنٹ ریلیٹڈ ہے کہ جس میں کرائمس اگینسٹ انوائرمنٹ انہوں نے ججمنٹ دیا ہے کہ کرائم اگینسٹ انوائرمنٹ آر کرائمس اگینسٹ ہیومینٹی. یہ میرا خیال ہے لینڈ مارک ہوگا اور جو کراچی کے ساتھ انوائرمنٹل پرابلمس ہو رہے ہیں گاربیج جلانا سیوریج کا پھر درخت کاٹنے کا یہ بھی ہیومینٹی کے خلاف ایک کرائم کی طرح سے ٹریٹ ہوگا آئی ہوپ. تو یہ تھا مختصر صاحب جو میں نے کراچی سے ایشوز اور اس کے اوپر جو کام کر رہا ہوں اس کے سلسلے. ماشاء اللہ یقیناً سر آپ کی خدمات جو ہے وہ قابل ستائش ہیں اور آپ نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا. ہمیں سب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اور بہت سارے لوگ اس وقت جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یا ایسے ادارے جو آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیں کس طرح سے آپ تک پہنچا جا سکتا ہے, کون سے ایسے رابطے کے ذریعے ہیں کہ لوگ آپ تک پہنچیں اور وہ آپ کے اس کار خیر میں جو ہے وہ حصہ ڈال سکیں یا ادارے آپ کے ساتھ مل کر کام کر سکیں؟ دیکھیں اس طرح میں تو جیسا سوشل میڈیا پہ یہ گروپ بنایا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں اور پوسٹیں اپنی دیتے ہیں. تو اور اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ میں نے پبلک انٹرسٹ ریٹن کمپلینٹیں لکھی ہیں تو میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی کہ جہاں جہاں میں نے اپنی ریٹن کمپلینٹیں دی ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں, مجھے پارٹی بنائیں, مجھے بلائیں تاکہ وہ میٹرس جو ہیں ان کے اوپر کوئی کام آگے بڑھے. فار ایگزامپل سندھ ہائی کورٹ سے چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے میں اپیل کروں گا کہ مزار قائد کو باغ قائد کے لیے جو میں نے جولائی 2015 میں پبلک انٹرسٹ کمپلینٹ دی ہے اس کے اوپر وہ ایکشن لیں اور مجھے بلائیں. اسی طرح سپریم کورٹ سے بھی میں آنریبل چیف جسٹس سے اپیل کروں گا کہ وہ جو درخت کاٹ رہے ہیں کراچی میں اس کے خلاف جو میں نے جون 2016 میں درخواست دی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں, کیونکہ باقی ادارے جو ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں جتنے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ان کو ایکشن لینا چاہیے. اسی طرح ایک اور میٹر بھی میں یہاں توجہ دلانا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ سندھ کا بجٹ جو ہے وہ کراچی کو کچھ نہیں مل رہا, تو جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے اس کی سیکشن 112 ہے اس کے تحت پروونشل گورنمنٹ نے بھی پروونشل گورنمنٹ نے بھی پروونشل فائنل کمیشن بنانا ہے فار ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز امنگ ڈسٹرکٹس, کہ جس طرح سے این ایف سی اوارڈ ملتا ہے ہر سال اور پروونسز کو ملتا ہے فنڈس فیڈرل گورنمنٹ طرف سے, اسی طرح پروونس کو بھی اپنے بجٹ کا حصہ ڈسٹرکٹس کو دینا چاہیے. اچھا اور جو جیسے فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے کہ 82% پاپولیشن کے بیسس پہ اور باقی جو 18% ہے وہ اس کے دو تین وجوہات کلیکشن اور وغیرہ وغیرہ, لیکن 82% تو پاپولیشن کے بیسس اب اگر 82% ہیں تو کراچی کی جو پتی اس کا شہر کہاں درآمد کریں اور پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں تاکہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو, کسی کو بھی کوئی ناانصافی نہ ہو. صحیح ٹھیک ہو گیا. اچھا حامد داجیہ صاحب کائنڈلی آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بات کی آپ نے سوشل میسج بھی دے دیا تو کچھ خاص آپ آڈینس کے لیے بولنا چاہیں, کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں, کوئی ایڈوائسز دینا چاہیں سیوک ایشوز کے حوالے سے اسپیشلی کراچی کے لوگوں کو؟ میں یہ کہوں گا کہ سوشل جو ہے اب آج جو ہے نا ٹیکنالوجی اور ٹائم دونوں بدل گیا ہے, میں اپنا میرا سلوگن دیا اور سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے اور سوشل میڈیا کو یوز کر کے جو کراچی کی گریوینسز ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں
उसको सपोर्ट करें और जो भी मेरा ग्रुप है या और दूसरे ग्रुप जो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं उनको वो सपोर्ट करें। हमें दया साहब, आप कुछ बोलना चाहें हमारे शो मेरी कहानी के बारे में या कुछ ऐसा जो आप ना बोल सके हो, कुछ ऐड करना चाहें अपनी तरफ से? नहीं, मेरा ख्याल है मैंने तकरीबन कवर कर लिया अपना, क्योंकि मेन तो ये है कि सोशल मीडिया इस वक्त जो है ना वो काफी एक्टिव है और उसका यूज करना चाहिए लोगों को। हालांकि अभी जो साइबर क्राइम लॉ भी आया है ना, उसमें थोड़ा सा लोग जरा घबरा रहे हैं कुछ बोलने से या कुछ भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है या आप फिगर्स और फैक्ट्स देंगे तो उस वो कोई भी लॉ की खिलाफवर्जी नहीं होती। जैसे मैंने अभी आपसे सिंध बजट का या KMC की बात की तो वो फिगर है, अब उसमें मैंने अपने घर से तो नहीं लेकर आया ये फिगर, तो ऐसी इन मैटर्स के ऊपर किसी को घबराने की जरूरत नहीं होती और किसी को इनके ऊपर तबसरा भी करना चाहिए लोगों को, ताकि गवर्नमेंट भी उसका नोटिस ले, सिंध गवर्नमेंट भी नोटिस ले और जितने इदारे हैं वो नोटिस लें उसका। सही। सर, आप कोई तबसरा करना चाहें हमारे शो के बारे में, मेरी कहानी के बारे में कुछ बोलना चाहें या कोई मशवरा देना चाहें? देखिए, ये एक बहुत अच्छा बिगिनिंग है और जैसे मैंने अभी कहा कि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो रहा है और ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो आप लोगों ने की है कि एक मेरी कहानी के तौर से लेकर आए और सबको मौका दें कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, क्या नहीं किया या किस तरह से काम कर किया, ताकि लोगों को गाइडेंस मिले। अब्दुल हमीद दाजिया साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। हम लोग इन फ्यूचर भी आपसे रब्ते में रहेंगे और हमारी तमाम तरह नेक ख्वाहिशात आपके काम के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।